दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको वो पांच चीजें बताने वाला हूं। अगर आप इन पांच चीजों को मास्टर कर लेते हो, बिलीव मी, आप एक बहुत अच्छे उम्दा एफिलिएट मार्केटर बन जाओगे और प्लस मार्केटर बन जाओगे, क्योंकि ये वो पांच चीजें हैं जो एफिलिएट को एफिलिएट मार्केटिंग में तब्दील करती हैं, बनाती हैं। और गाइस, ये वो पांच चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा आपको पैसे दे सकती हैं अगर आप इनका अलग अलग से सर्विस भी प्रोवाइड करने लग जाओ तो। सो लेट्स गो। सो माय नेम इज क्रियान, द बेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन मनी एज यूजुअल। अगर गाइस आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, बिकॉज आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस मैं लेके आते रहता हूँ, बिकॉज आप करते हैं वीडियो को लाइक और मुझे मिलता है मोटिवेशन। सो गाइज, इस वीडियो में जैसे कि मैंने कहा कि वो पांच चीजें जो आपको समझना सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में मिलियंस ऑफ मिलियन डॉलर कमाना चाहते हैं, या आप उन लोगों को देखते हैं जो मिलियंस ऑफ मिलियन डॉलर हर मंथ कमा रहे हैं। यस गाइज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईयर, आई एम टॉकिंग अबाउट मंथ, जो मंथ तौर पे लाखों हजारों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग से। तो गाइस, वो कर क्या रहे हैं? वो इन पांच चीजों को मास्टर करके बैठे हुए हैं, या तो वो इनमें से किसी एक चीज में मास्टर है तभी वो इतने पैसे अर्न कर पा रहे हैं। तो सबसे पहली जो चीज है गाइस, उसको बोलते हैं ट्रैफिक। गाइज, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो और एक बहुत बेस्ट एफिलिएट मार्केटर बनना चाहते हो, तो आपको ट्रैफिक में मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। अब मान लो, जैसे कि मैंने कहा ट्रैफिक, तो होता है ये टी से, ये है ट्रैफिक। ट्रैफिक देखो, पहला जो तरीका मैं बोलूंगा उसको बोलते हैं फ्री ट्रैफिक, राइट, फ्री ट्रैफिक। और जो दूसरा तरीका है वो पेड ट्रैफिक, राइट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है मैं एक बता दूं, और जो फ्री ट्रैफिक है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, और जो पेड ट्रैफिक है उसमें आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं, राइट। लेकिन जो पेड ट्रैफिक है उसमें आपको थोड़ा लर्निंग की जरूरत रहती है, थोड़ा से ऊपर, ठीक है, उसमें आपको लर्निंग की जरूरत रहती है। और जो फ्री ट्रैफिक है वो आप सोशल मीडिया से स्टार्ट कर सकते हो, लाइक फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, पिंटरेस्ट, ट्विटर, आप सबका यूज कर सकते हो। पेड ट्रैफिक में भी ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिनका आप यूज कर सकते हो, बट यहाँ मोस्टली दो बहुत ज्यादा ही यूज होते हैं, जिसको बोलते हैं फेसबुक और दूसरा गूगल एड्स, राइट। तो ये जो चीज है इसमें मैं आपको बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा, फेसबुक एड्स जो है उस पर आप ज्यादा ध्यान दो अगर आपको लॉन्ग पर प्ले करना है, लॉन्ग गेम प्ले करना है। अब नेक्स्ट जो चीज है गाइस, उसको आपको मास्टर करना है, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, उसको बोलते हैं ऑटोमेशन। गाइस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टूल्स को समझते हैं कि टूल्स पे हम फालतू का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट बिलीव मी, वो टूल्स ही हैं जो आपको बहुत ज्यादा ज्यादा पैसा ला के देती है, बिकॉज वो टूल्स आपको एक्स अमाउंट पर हेल्प करती हैं जिसकी आप तुलना कर ही नहीं सकते, राइट। तो आपको सीखना है कि आपको अपने बिजनेस को ऑटोमेट कैसे करना है। अब ऑटोमेट करने के लिए गाइस दो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला जो होता है ईमेल मार्केटिंग, और जो दूसरा है वो होता है चैटबॉट मार्केटिंग, जो इस समय बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। अब ईमेल मार्केटिंग में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लाइक मेलिंग बॉस, मेल चैम्स, एवेबर, गेट रिस्पॉन्स, मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। मैं आपको बोलूंगा मेलिंग बॉस, बिकॉज मेलिंग बॉस बहुत सस्ता है और इसका पैकेज लेने पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, मतलब हर वो चीज मिल जाती है जो आपको जरूरत पड़ता है डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग करने का। लिंक इज बिलो, यू कैन चेक। अब नेक्स्ट जो है गाइस वो है आपका चैट्स, ठीक है, चैट बॉट। तो चैट बॉट के लिए आप मैनी चैट का यूज कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री है और आई थिंक बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है फ्री में वो, और पेड में जाएंगे तो और भी आपको उसका अपग्रेड वर्जन मिलेगा। बट ये दो चीज पे आपको ध्यान देना है, पहला मैंने जो कहा ईमेल मार्केटिंग और दूसरा चैट बॉट मार्केटिंग, ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है इस समय, और इंडिया में इसका ट्रेंड धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो आप सीखो कि आप कैसे अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हो। गाइज, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ आप देख सकते हो, किसी भी मार्केटर को अगर आप जानते हो अच्छे लेवल पे, तो देखो वो लोग ये चीज कर ही रहे हैं, तभी वो इतना ज्यादा हाईली सक्सेसफुल है। नेक्स्ट जो चीज है गाइस, दैट इज कॉल्ड फनल। गाइस, फनल एक ऐसी चीज है जो आपको लाखों रुपए कमा के दे सकती है। अब फनल होता क्या है गाइस? फनल इज लाइक दिस, जैसे मान लो आप कहीं गन्ना
का रस पीने जाते हो, राइट, गन्ने का रस पीने जाते हो, तो गन्ने वाला क्या करता है, जैसे ये मशीन है तो इसके बीच में गन्ना डालता है और यहां से गन्ने का जो रस है वो आपको गिलास में दिया जाता है। तो यही काम ऐसा हो, यही काम यहाँ फनल करता है कि एक तरफ से लोग आते हैं, मतलब ट्रैफिक एक तरफ से आपके फनल में आता है, और यहाँ पर जो बेस्ट चीज है, मतलब बेस्ट लोग हैं जो आपकी चीज को खरीदने जा रहे हैं, उनको इस साइड फनल लेके आता है। तो इसको बोलते हैं फनल, और हर बंदा आज के समय में फनल का यूज कर रहा है, बिकॉज ये बहुत सीधा प्रोसेस होता है और सीधा टारगेटेड, वेल टारगेटेड सेल का प्रोसेस है। तो आप इसको भी मास्टर करने की कोशिश करो, जो आपको इसमें बेस्ट लगे उस चीज को पकड़ो और मास्टर करो। चौथी गाइस जो चीज है वो है गाइस सेल्स। गाइस सेल्स की बहुत सारे तरीके हैं, कोई ब्रांडिंग करके सेल करता है, कोई डायरेक्ट सेल करता है, और कोई लाइक एमएलएम के जैसा सेल करता है, राइट। ये तीनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर मैं डीप में जाऊंगा तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसे पता चलेंगी जो आप आज तक आई थिंक इंडियन मार्केट में तो कोई आपको यूट्यूब पे नहीं बता रहा होगा, राइट। तो सेल्स में बहुत अलग अलग चीजें होती हैं, जो ब्रांडिंग करके सेल करते हैं वो बहुत ज्यादा लॉन्ग रन होते हैं, राइट, और जो डायरेक्ट सेल करते हैं वो ज्यादा लॉन्ग रन नहीं होते हैं। बिकॉज बहुत सारे ऐसे टाइम ऐसे केसेस देखने मिले हैं कि लोगों को सेल पसंद नहीं आता है, वो पहले तो ले लेते हैं, बाद में वो डिसएग्री करते हैं। तो बहुत सारे इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, एडवांटेज भी हैं। तो सेल कैसे करें, इस चीज पे आप मास्टरी करने की कोशिश करो। सेल्स का प्रोसेस क्या होता है, क्या चीज आपको पिच करनी रहती है, अगर आप इस चीज को सही से करोगे तो ये बहुत ज्यादा हाई टिकट का गेम है सेल्स। लास्ट इन द लिस्ट वेबसाइट। गाइज मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए वेबसाइट चाहिए ही चाहिए, राइट, खासकर एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको वेबसाइट बनाने नहीं आती तो आप अपना बेस क्लियर नहीं कर पाओगे। मतलब ये कि आपके पास एक दो वेबसाइट होनी ही चाहिए जो आपके काम को बताए, जहां से आप ट्राफिक ड्राइव कर सको। बिकॉज हर वो बंदा जो इस समय मार्केटिंग कर रहा है उसको ये पता है कि ये मेरी वेबसाइट है, यहां पर मुझे यहां से ट्रैफिक लाना है, सोशल मीडिया से लाओ, पेड एड से लाओ, वो सब एक ही बात है, ठीक है। एक ट्रैफिक को यहां पर लेके आना है और यहां से फनल में डालना है, और यहां से फनल का काम स्टार्ट होता है और यहां जाके सेलिंग होती है। तो दोस्तों ये जो चीजें हैं, पांच चीजें जो मैंने बताई हैं, इसको मास्टरी करने की कोशिश करो। अगर आप पांच को मास्टरी कर लिए तो आप तो अनस्टॉपेबल होगे। बट मैं आपको बोलूंगा किसी एक चीज को पकड़ो, फनल को पकड़ो, एड्स को पकड़ो या सेल्स को पकड़ो, आप किसी एक को मास्टरी करो और फिर देखो आपका गेम किस लेवल पे जाता है। बिकॉज आज के समय पे जितने भी एफिलिएट मार्केटर्स हैं जो टॉप पे प्ले कर रहे हैं, मिलियन से मिलियन डॉलर पर मंथ क्लोज कर रहे हैं, उनको इनमें से, इन पांच में से किसी एक चीज पर महारत हासिल है, मतलब वो बहुत ज्यादा इसमें एक्सपर्ट हैं गाइस। तो अगर आप भी एफिलिएट मार्केटिंग में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो बिलीव मी ये वो पांच चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा अमाउंट ला के दे सकती हैं, प्लस बहुत सारी चीजें आपको सिखा सकती हैं इस जर्नी में। सो गाइस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, बिकॉज आपका लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। और गाइज अगर आप मुझे फॉलो नहीं किए हो इंस्टाग्राम पे, मेक श्योर इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, क्योंकि वहां आजकल मैं बहुत सारी चीजें शेयर कर रहा हूँ, मार्केटिंग की छोटी छोटी वीडियोस आपको दे रहा हूँ। सो मेक श्योर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो ताकि मैं आपको और भी ज्यादा हेल्प करूँ। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।